बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। इस मक्खी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम चमन में जाकर हर किस्म के फूल का रस चूसते हैं, वो रस अपने मुँह में लेते हुए अपने छत्तों में आ जाते हैं, वहाँ उगल देते हैं, वही शहद है। तो आपने इरशाद फरमाया, फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद मीठा होता है, ये बताओ ये मिठास कहाँ से आती है, कैसे आती है। मक्खी ने अर्ज़ किया, हमें कुदरत ने सिखा दिया है, चमन से छत्ते तक रास्ते भर आप पर दरुद शरीफ पढ़ते हुए आए, शहद की ये लज्जत और ये मिठास दरुद पाक की बरकत से है।